स हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन वट केमिकल्स है uh, what is, what आप लोगों का बुक पे मार्क करवा दिया जाएगा जब रीडिंग करवाई जाएगी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट रेजिटेंस वाई डू वी यूज रजिस्टर्स अच्छा जी ये आंसर देखिए रेजिटेंस इज द डिग्री और रिड्यूज इलेक्ट्रॉन्स वी यूज सर्किट अच्छा जी रेजिस्टेंस क्या होती है मज़ामत करना रेजिस्ट करना किसी चीज़ को ठीक है मतलब अगर फ्लो ऑफ करंट हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें जो चाहिए होती है वो क्या होती है रेजिस्टेंस होती है क्योंकि एक ही दफ़ा में जब बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मे बी जब हम बल्ब कर रहे हैं एलिमिनेट कर रहे हैं हम जला रहे हैं उसे तो वो क्या होगा वो जल भी सकता है तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है कि हम जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंट्रोल कर सकें ठीक है तो वे यूज रजिस्टर टू कंट्रोल द रजिस्टेंट ऑफ अर्किट बिकॉज पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हर सर्किट की रजिस्टेंस भी डिफरेंट होती है खास होती है एक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन देखिए वॉल्टेज ऑफ अ बैटरी है अमाउंट ऑफ करंट वॉल्टेज ऑफ अ बैटरी का अफेक्ट क्या हो रहा है अमाउंट ऑफ करंट पर उसका आंसर देखिए वॉल्टेज इज अ मैर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई सेल्फ अब वॉल्टेज क्या कर रहा है कि एक सर्किट को एक पूरे सर्किट को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो कौन डिसाइड करेगा वोल्टेज वोल्टेज इज मयर ऑफ़ हाउ ये मयर करेगा ठीक है वोल्टेज इज अ मैयर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल बैटरी और द मेन टू पुश एन इलेक्ट्रिक करंट अराउंड अ सर्किट यहाँ पर हमने यही बात बता दी वोल्टेज इज अ इन वोल्ट अब वोल्टेज किस में मयर किया जा रहा है वोल्ट्स में ठीक है जैसे कि करंट को किसमें किया जा रहा था अंपेयर्स में उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा था ए से अब वोल्टेज को वोल्ट से कर रहे हैं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे वी से दी हायर द वोल्टेज ऑफ अ सेल और बैटरी द मोर एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन अगर हमारे पास वोल्टेज भी हाई होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी क्या होएगी हाई होएगी तो एंड द मोर एनर्जी इज हैज टू बी फ्लो अराउंड सर्किट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाउ वोल्ट सेल वुड यू नीड टू प्रोवाइड अ वोल्टेज ऑफ नाइन वोल्ट इसमें उन्होंने पूछा है कि वन पॉइंट फाइव वॉल्ट जो सेल है उसको नाइन वोल्टेज पे हम कितनी प्रोवाइड करेंगे एनर्जी ठीक है अच्छा जी उसमें आंसर देखिए इट वुड टेक अ सिक्स वन पॉइंट फाइव वोल्ट सेल टू प्रोवाइड अ वोल्टेज ऑफ नाइन पॉइंट नाइन वोल्ट ठीक है कितने हम प्रोवाइड करेंगे वन पॉइंट फाइव वोल्टेज की सिक्स तो वो हमारे पास नाइन वोल्ट का जलेगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है फिफ्टीन है वट इज़ अ फ्यूज एंड वट इट इट्स अ पर्पज़ फ्यूज़ क्या है और उसका पर्पज़ क्या है किस मकसद के लिए हम उसे यूज़ करते हैं आ फ्यूज़ इज़ एन अलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस क्या है ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट थिन पीस ऑफ अ वायर विच हीट्स अप अपड मेल्ट लंदे करंट फ्लोइंग थ्रू इट एक्सीड अ सर्टन अमाउंट ये क्या था आप लोगों ने घर में देखा होगा कि मीटर के साथ है, हमारे एक हमारा एक मेन स्विच होता है ठीक है वहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होता है जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो ये कभी कभी मेल्ट भी हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम इसे बाहर भी निकाल देते हैं अच्छा जी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट भी हमारा फ्यूज़ के बारे में है हाउ डू फ्यूज़ डिफर फ्रॉम अ सर्किट ब्रेकर आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फ्यूजेस डिफर फ्रॉम अ सर्किट ब्रेकर इन दैट फ्यूज़ कैन ओनली बी यूज वन आप फ्यूज़ को क्या कर सकते हैं सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं वो ऊपर वाले में बताया कि जब हीट ज़्यादा होती है तो मेल्ट भी हो जाता होता है ठीक है तो दे हैव टू बी रिप्लेस वो हमें दोबारा से चेंज करने पड़ते हैं सर्किट ब्रेकर कैन बी रीसेट सिंपली फॉर प्रेसिंग और स्विच और लीवर ये दोबारा से रीसेट करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वट आर द टू थिंग्स यू कुड डू टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रो मैगनेट अब वो बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रो मैगनेट की स्ट्रेंथ जो उनसे इंक्रीज हो जाए तो आंसर देखिए क्वेश्चन सेवनटीन का तो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रो मैग्नेट इलेक्ट्रो मैगनेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए यू गुड आई दर इंक्रीज द नंबर ऑफ टन टर्न ऑफ द वायर इन दी कॉल हम क्या करेंगे फर्स्ट जो उन्होंने बताया हमें नंबर ऑफ टर्नस ऑफ वायर वो हम बढ़ा देंगे या फिर हम इंक्रीज द करंट इन द कोयल जो कॉयल में हमारे पास करंट आ रहा है उसकी क्वान्टिट्टी को हम बढ़ा देंगे ठीक है तो हमारे इलेक्ट्रो मैग्नेट की जौन सी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन गुड लाउड स्पीकर हैव देयर पेपर कौन फिक्स टू अ हैवी मेटल फ्रेम सजेस्ट वाई दिस इज अब वो बता रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर एक फिक्स वी हुई होती है मेटल फ्रेम वो कैन ये सजेस्ट वाई दिस इज़ कि उन्होंने ऐसे क्यों किया हुआ होता है ये बताया द पेपर कौन आंसर स्टार्ट करनी है द पेपर कौन ऑफ अ लाउड स्पीकर इज़ फिक्स टू हैवी मेटल फ्रेम सो दैट ओनली द कॉन वाइब्रेट उन्होंने वो मेटल फ्रेम जो लगाया हुआ होता है वो क्यों लगाया होता है कि कौन वाइबरेट कर सके नॉट दी होल लाउड स्पीकर ठीक है पूरे का पूरा जो लाउड स्पीकर है वो वाइब्रेट नहीं करे सिर्फ वो कौन वाइब्रेट करे जो उन्होंने वहाँ पे मेटल फ्रेम की बनाई हुई है उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इस तरह ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हो गया अल्लाह हाफिज़ बेटा अस्सलाम वालेकुम क्लास नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इफेक्ट डज इलेक्ट्रिक करंट हैव ऑन अ केमिकल या आप लोगों को बुक में जब रीडिंग करवाई जाएगी वहाँ पर मार्क करवा दिया जाएगा ये यहाँ पर मैंशन नहीं है ओके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस व्हाई डू वी यूज रेजिस्टर बुक्स पे देखें पैनल पे देखें अ डिग्री टू विच सब्सटेंस रेजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी यूज रजिस्टर टू कंट्रोल द रजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिकॉज दी ईच टाइप ऑफ अजिस्टर हैजिकुलर रेजिस्टेंस अच्छा जी अब रेजिस्टेंस होती क्या है रेजिस्टेंस डिग्री टू विच सब रिजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी अब इलेक्ट्रिसिटी जब प्रो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको रजिस्टर रजिस्टर मतलब स्टॉप करना मजामत मतलब करना थोड़ी से ठीक है उसको स्टॉप करने के लिए हम रेजिस्टेंट यूज़ करते हैं ठीक है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी यूज रजिस्टर टू कंट्रोल द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो हम किसी भी सर्किट की रेजिस्टर को क्यों लगाते हैं ताकि रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सके बिकॉज ईच टाइप ऑफ रेजिस्टर हैज़ अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हर सर्किट की रेजिस्टेंस जो उनसे होती है वो क्या होती है चेंज होती है इसलिए हम रजिस्टर लगाते हैं वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट इफेक्ट डज द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी हैव ऑन द अमाउंट ऑफ अ करंट अब वो आपसे कह रहे हैं कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी का अफेक्ट क्या होगा अमाउंट ऑफ करंट पे आंसर देखिए वोल्टेज इज मयर हाउ ऑफ हाउ मच एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाई अ सेल बैटरी और दी मेन और पुश एन इलेक्ट्रिक करंट अराउंड अ सर्किट अब वोल्टेज क्या होता है कि जो मैयर करेगा कि एक सर्किट को एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी है ठीक है एक सेल को एक बैटरी को और जनरेटर को कितनी प्रोवाइड करनी है ठीक है नेक्स्ट टाइम वोल्टेज इज मयर इन अ वोल्ट ये किस में मईर किया जा रहा है वोल्ट्स में जैसे कि करंट को किस में हम कह रहे थे मयर अम्पेयर में कर रहे थे वोल्टेज को वोल्ट्स में कर रहे हैं दे हाई द वोल्टेज ऑफ सेल और बैटरी द मोर एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन अगर किसी सेल की मतलब सर्किट की वोल्टेज हाई होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी हाई होगी ज़्यादा होगी एंड द मोर एनर्जी हैजू बी कन्वर्टेड एट्स फो अराउंडट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोटीन में द हाउ मैनी वन पॉइंट फाइव वॉल्ट सेल्स वुड यू नीड टू प्रोवाइडेज ऑफ नाइन वॉल्ट अच्छा वो कह रहे हैं कि वन पॉइंट फाइव के वन पॉइंट फाइव वॉल्ट सेल कितने चाहिए होंगे कि वोल्टेज ऑफ नाइन वॉल्ट है हम वो जल सके ठीक है जी उसके लिए छोटा सा आंसर है इट वुड टेक सिक्स वन पॉइंट फाइव बॉल्ट कितने सेल चाहिए होंगे वन पॉइंट फाइव वॉल्ट के सिक्स चाहिए ताकि हमारा नाइन वॉल्ट चल सके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्टीन वट इज़ अ फ्यूज़ एंड वट इट इज़ अ पर्पज़ फ्यूज़ क्या है

अब फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं इनका डिफरेंस बताना हमने स्टार्ट करती हूँ आंसर फ्यूज़ फ्यूज़ डिफर फ्रॉम अ सर्किट ब्रेकर इन दैट फ्यूज़ कैन ओनली बी यूज़ वन अब फ्यूज़ जनता है वो सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है ऊपर हमने रीड किया ना बीके कि मेल्ट हो जाता है अब मेल्ट हुआ हुआ ये दोबारा तो यूज़ होगा ही नहीं ये सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकता है देन दे हैव टू बी रिप्लेस तो हमें ये चेंज करने पड़ते हैं जबकि सर्किट ब्रेकर कैन बी रीसेट सिंपली बाई प्रेसिंग और स्विच लीवर ठीक है इसको हम सर्किट ब्रेकर से उनसे इनको हम दोबारा से रीसेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग अ स्विच और लीवर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वट आर टू थिंग्स यू कुड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रो मैगनेट इलेक्ट्रो मैगनेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या दो चीज़ें कर सकते हैं तो आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रो मैगनेट यू कुड आइदर इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर एक हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ़ बायर से वो इंक्रीज करेंगे जो कि कॉयल अराउंड इट ठीक है और सेकेंड पे हम क्या करेंगे इंक्रीज इंक्रीजेस करंट इन द कोयल या तो हम नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ वायर्स उनसे वह इंक्रीज कर देंगे या फिर जो कॉयल में करंट आ रहा है करंट की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन गुड लाउड स्पीकर हैव देयर पेपर पेपरकॉन फिक्स टू अवी मेटल फ्रेम सजेस्ट वाई दिस इज कि ये क्यों किया जाता है लाउड स्पीकर अगर होता है ना तो उस पर हमने क्या करना है एक पेपर कॉन बना हुआ था जो फिक्स हुई हुई होती है मेटल की तो वो कह रहे हैं कि ऐसे क्यों किया जाता है द पेपर कॉन ऑफ अ लाउड स्पीकर इज फिक्सडर हैवी मेटल फ्रेम सो दैट ओनली द दौन वाइब्रेशन वाइब्रेट कि सिर्फ जो कॉन बनी हुई है जिस मेटल लगी हुई थी वो सिर्फ वाइब्रेट करे नॉट द होल लाउड स्पीकर पूरे का पूरा लाउड स्पीकर वाइब्रेट नहीं करे सिर्फ वो कॉन वाइब्रेट करे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ठीक है ओके जी अल्लाह